राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बड़ा बयान दिया है कि उत्तराखंड सरकार जल्द कैंसर अस्पताल को लेकर एमओयू करेगी। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया जाएगा एमओयू और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट राज्य में कैंसर यूनिट को स्थापित करेगा। हरिद्वार या फिर हल्द्वानी में ये कैंसर हॉस्पिटल खुल सकता है। उत्तराखंड में चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ता तैयार हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसे पाना होगा। तो 2021 में ही कैंसर अस्पताल का तोहफा उत्तराखंड को मिल सकता है ताकि उत्तराखंड के लोग अगर इस गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें भटकना ना पड़े उत्तराखंड के बाहर। और साथ ही साथ अनिल बलूनी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में कुछ, पंजाब में कुछ और देहरादून में कुछ बोलते हैं। दिल्ली सीएम कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहते। उत्तराखंड की जनता ना आप पर भरोसा करेगी ना कांग्रेस पर। जनता को फ्री बिजली का लोक लुभावन वायदा नहीं चाहिए। और अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दो दो जगहों से चुनाव हार चुके हैं। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि बहुत जल्द एमओयू साइन करने जा रही है उत्तराखंड सरकार कैंसर हॉस्पिटल को लेकर। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कोशिश यह है कि 2021 में ही ये काम शुरू हो जाए। हल्द्वानी या हरिद्वार में ये कैंसर अस्पताल खुल सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम सियासी बातों की बात करें तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार जल्द कैंसर अस्पताल को लेकर एमओयू करेगी। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ ये एमओयू साइन किया जाएगा। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट राज्य में कैंसर यूनिट स्थापित करेगा। और अनिल बलूनी ने भी कहा कि जो दिल्ली के सीएम है वो दिल्ली में तो कुछ काम कर नहीं पाए लेकिन उत्तराखंड में आकर वो बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं और उत्तराखंड में कुछ बोलते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से कैंसर इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, बहुत लंबे समय से अनिल बलूनी प्रयासरत हैं कि उत्तराखंड में एक बेहतर अस्पताल बने, क्या अब उसके करीब पहुंच गए हैं, बस थोड़ा इंतजार और है? देखिए, जैसा अभी उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि दो दिन पहले दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है केंद्रीय राज्य मंत्री जो पीएमओ में है जितेंद्र सिंह उनकी अध्यक्षता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एनर्जी के राज्य मंत्री भी हैं, तो उन्हीं के साथ एक बैठक थी जिसमें टाटा कैंसर के डायरेक्टर और उत्तराखंड के हेल्थ सेक्रेटरी अमित नेगी और तमाम वो अधिकारी थे जिनको इस पूरे एपिसोड से, पूरे घटनाक्रम से वास्ता है। तो उनकी बैठक में तय हुआ है कि अब एक हफ्ते के बाद राज्य सरकार और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच एक करार होगा, एक एमओयू साइन होगा और उस एमओयू साइन होने के बाद उससे पहले राज्य सरकार को एक जगह का चयन करना होगा। वो हरिद्वार या हल्द्वानी में से कहीं एक जगह हो सकती है जहां पर कोई एक ऐसा भवन होगा, या तो सरकार देगी या सरकार उपलब्ध कराएगी कि जहां एकदम से सारी मशीनरी और सारे इक्विपमेंट और जितनी मेडिकल साइंस की जो फैसिलिटी होती है उनको ला करके वहां रख दिया जाए और वो महीने दो महीने के भीतर यहां पर कैंसर का इलाज होने लगे। तो एक सप्ताह बाद जो एमओयू साइन होना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके बाद यहां पर एक ये बड़ी उम्मीद बरसों से रखी हुई थी, क्योंकि जब अनिल बलूनी कैंसर से खुद जूझ रहे थे तब का उनका ये अपना प्रण है, ये लक्ष्य है, तो उन्होंने इस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया है और राज्य सरकार अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है और अब मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते बाद ये एमओयू साइन हो जाएगा। जी, शुक्रिया अजीत जी आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो इन चेहरों को याद रखिएगा, ये तालिबान के रहनुमा हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, ये कितने विध्वंसक हैं। हमीरपुर की बात करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सौगात वहां पर मिली है। 92 परियोजनाओं का शिलान्यास और अनावरण किया उन्होंने। पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम विभागों के विकास को लेकर तैयार की योजनाएं, सांसद और विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। 92 परियोजनाओं का तोहफा मिला है। हमीरपुर में पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद विधायक भी मंच पर मौजूद थे। 92 परियोजनाओं का शिलान्यास और अनावरण हुआ है। पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम विभागों के विकास को लेकर योजनाएं तैयार हुई हैं। सांसद और विधायक भी मौके पर मौजूद थे। आगरा में जेल भेजे गए पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की तलाकशुदा पत्नी नगमा ने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया।
साथ ही उनकी लड़ाई में साथ देने वालों का भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चौधरी बशीर ने छठी शादी की है, जिसको लेकर उनकी चौथी पत्नी नगमा ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद थाना मंटोला पुलिस ने चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उनकी पत्नी नगमा ने वीडियो जारी कर कहा है कि हाईकोर्ट से भी बशीर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि सबने मेरा साथ दिया और बशीर को गिरफ्तार किया है एक ट्रिपल तलाक के मुकदमे में, जिसने मुझे 3 बार तलाक 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 बोलकर भगा दिया था घर से, और मैं इतनी परेशान थी, लेकिन सबने मेरा साथ दिया। सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, इसने कितनी महिलाओं की जिंदगियाँ ख़राब करी हैं। बशीर का ने कोर्ट में अपना जमानत का प्रार्थना पत्र भी दिया, वो भी खारिज हो गया है। मैं सभी न्यायाधीशों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि सब लोगों ने मेरा साथ दिया है और इस वैशी दरिंदे को सज़ा दी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट से भी इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये दरिंदा बहुत। और अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर फ्रॉड मामले में कानपुर की क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने जब इस मामले में गहन पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि इस गैंग के पास अमेरिकी नागरिकों के महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पुलिस को मास्टरमाइंड से बरामद पेन ड्राइव से 5,000 अमेरिकी नागरिकों का डेटा मिला, जिसमें उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के CVV नंबर में मौजूद हैं। कानपुर की क्राइम ब्रांच ने इस डेटा को CBI के साथ शेयर किया। मैंने उसको परीक्षण किया, पता चला कि जो US के लोगों को उन्होंने फ्रॉड किया था, जिनको बेवकूफ़ बनाया था, वो हज़ारों की तादाद में उन लोगों का डेटा उसके पास मौजूद था। बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल्स के डिटेल्स उसमें मौजूद थे, और उसमें बहुत पोटेंशियल था कि किसी अन्य लोगों के हाथ लगते तो उससे भी उन लोगों को नुकसान होता, उसमें फ्रॉड किया जा सकता था। तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और उन लोगों से डायरेक्ट हम लोग संपर्क नहीं हो पा रहा था, हमने CBI को एक लेटर लिखा है कमिश्नर महोदय की तरफ से कि उसकी पूरी केस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो जो डेटा जो मिला है उसके बारे में उसकी जानकारी दी गई है। लगभग 5,000 लोगों का डेटा उसमें अवेलेबल।